IQOO Z थी अंडर 20,000 में एक नंबर स्मार्टफोन था, बट IQOO Z5 अब आने वाला है, जहां पर IQOO Z3 में कोई जो जो फीचर नहीं देखने को मिला था, यहां पर आप लोग को सब कुछ को मिटा देगा। और ए गाइस, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वाला स्मार्टफोन इस बार होने वाला है। साथ इस स्मार्टफोन में क्या प्रोसेसर देखने को मिलेगा कन्फर्म हो गया है, उसके साथ ही इसका फास्ट चार्जिंग डिस्प्ले वगैरह सब कुछ कन्फर्म हो गया है। और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है इस बार IQOO Z5, साथ साथ इसका प्राइसिंग भी बहुत ही अफोर्डेबल होने वाला है। साथ और ये आप लोग को एक महीने के अंदर अंदर इंडिया में आप लोग को लॉन्च होते मिल जाएगा। वीडियो होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग, तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज की इस मजेदार वीडियो। आ जाते हैं इस फोन की ताकत, मतलब इस फोन की परफॉर्मेंस के ऊपर, जहां पर आप लोग को देखने को मिल रहा है Qualcomm Snapdragon 778G। पहले मिला था 768G, बट यहां पर और भी अपग्रेड कर दिया है 778G के साथ, जो गाइस बहुत ही पावरफुल और बहुत ही एक इंटरेस्टिंग वाला चिपसेट है। साथ ही आप लोग को जो इसके द्वारा जो गेमिंग एक्सपीरियंस मिलेगा, पूछो ही मत गाइस, बहुत ही भयानक एक्सपीरियंस होने वाला है आपके गेमिंग के द्वारा। और यहां पर आप लोग को एक डुअल स्पीकर के साथ कूलिंग टेक्नोलॉजी भी मिलेगा, आपका फोन को ज्यादा हीट नहीं होने देगा। साथ ही साथ आपका आप लोग को एयर ट्रिगर इस बार शायद मिल सकता है, कुछ अभी भी कुछ कंफर्म नहीं है। ऑल ओवर देम गेमिंग के द्वारा तो आपका फोन एकदम रॉकेट की स्पीड से भागेगा और आपको बहुत ही तगड़ा एक्सपीरियंस होने वाला है गेमिंग के द्वारा। साथ ही साथ डे टू डे एक्सपीरियंस तो पूछो ही मत। इस बार आते हैं रैम एंड स्टोरेज के ऊपर, यहां पर आप लोग को 6GB एंड 128GB से स्टार्ट होते मिलेगा। UFS 3.1 स्टोरेज देखने को मिलेगा, एक काफी अच्छी बात है। उसके साथ ही 8GB रैम एंड 128GB का हायर वेरिएंट भी आप लोग को देखने को मिलेगा। और जो इसमें आप लोग को ऐप ओपन क्लोज का स्पीड मिलेगा वो बहुत ही तेज होने वाला है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, IQOO Z5 एक सीरीज होगा गाइस, क्योंकि यहां पर आप लोग को दो फोन देखने को मिलेगा, Z5 एंड Z5 Pro। कल ही कंफर्म हो गया है गूगल कंसोल पर, आप पिक्चर में देख सकते हैं, Z5 Pro में आप लोग को 8GB की रैम देखने को मिल रहा है और Android 11 पर दोनों फोन ही बेस्ट होगा। यह डिस्प्ले के ऊपर 6.6 इंच का बड़ी सी फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिलेगा दोनों फोन में, मतलब IQOO Z5, Z5 Pro दोनों फोन में आप लोग को बड़ी सी डिस्प्ले देखने को मिलेगा। बट यहाँ पर आप लोग को कंफ्यूज होगा, IPS मिलेगा क्या AMOLED मिलेगा, ये बहुत बड़ा एक सवाल है। शायद गाइस इस बार आप लोग को AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल सकता है। अगर AMOLED मिलता है तो 90Hz के साथ आएगा, और IPS मिलता है तो 120Hz के साथ आएगा, और 180Hz का टच सैम्पलिंग रेट भी दिया है। डिस्प्ले ओवरऑल बहुत ही मजेदार डिस्प्ले देखने को मिलेगा। उनमें सब चीज को मैनेज करने के लिए चाहिए फोन का बैकअप, मतलब फोन का बैटरी, तो यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगा 4440mAh की कैपेसिटी का बैटरी। उसके साथ ही आप लोग को बॉक्स में 44W का फ्लैश चार्जर देखने को मिलता है, और फोन में गाइस आप लोग को 44W का ही सपोर्ट करता है। बट गाइस ये थोड़ा डाउनग्रेड हो गया है, पहली जैसे मिला था 55W का Z3 में, यहाँ पर थोड़ा कम कर दिया है, बट लिटरली गाइस आपका फोन को बहुत ही जल्दी चार्ज कर देगा। तो कैमरे के ऊपर दोनों फोन में आप लोग को इस बार शायद 64MP का प्राइमरी सेंसर देखने को मिल जाए, साथ ही साथ 4K वीडियो निकल सकते हैं। साथ ही दोनों फोन की सेल्फी भी गाइस काफी तगड़ी मिलता है, दोनों फोन का ही कैमरा ऑल ओवर काफी बेहतर होने वाला है। इस फोन का प्राइस, मतलब Z5, Z5 Pro दोनों फोन का प्राइस अराउंड 25,000 बा 26,000 के रेंज में आ जाए तो सब फोन को किल कर देगा। इस फोन का जो परफॉर्मेंस मिलता है, प्रोसेसर बहुत ही तगड़ी और बहुत ही पावरफुली, इस रेंज में कोई भी कंपनी नहीं है आपको ए प्राइस के साथ देने वाला। तो देखते हैं गाइस अगर आगे में कुछ भी अपडेट निकल के आता है तो मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन कमेंट में अपडेट कर दूंगा। इस वीडियो में था बस इतना ही, इस फोन के लिए क्या आप एक्साइटेड हो क्या नहीं हो मुझको जरूर से कमेंट करके बताना। इस वीडियो में बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।